पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, चुनाव का मौसम जो है बहुत करीब से करीब होता जा रहा है। चुनाव को जो लेकर के है माहौल जो है गर्माते जा रहा है और सियासत जो है अपना स्पीड पकड़ रही है। इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और वहाँ से जो है चुनावी सभाओं की जो है शुरुआत करेंगे, वहाँ से चुनाव का आगाज़ करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी जो है उनके ऊपर हमलावर है और कह रही है कि आप कहीं भी चले जाएँ, वहाँ आपकी कुछ ज़मीन नहीं बची है, आने वाला जो वक्त है वो बीजेपी का है। इसी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, आप पहले वो सुनिए। देखिए, रैली रद्द हो गई है, दुखद है। हमारी तो बड़ी उम्मीद थी, हम तो चाहते हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी बनारस जाते, आरोग्यता प्रदान करते, महादेव के मुक्ति के धाम में भगवान सद्बुद्धि भी देते और अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान जैसे बनारस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये भी बिहार में आके हमारे शक्ति की भूमि माँ जानकी का, भक्ति की भूमि पटन देवी का और मुक्ति की भूमि मंगला गौरी गया का उत्थान करते। रैली रद्द हो गया है, लेकिन बनारस महादेव की धरती पर ये जरूर जाए। नेता प्रतिपक्ष के नाते मेरा विनम्र आग्रह है मुख्यमंत्री जी से कि एक बार आप बनारस जरूर जाएं। लेकिन जानकारी तो अब ये कह रहे हैं कि बनारस में जो है यूपी में योगी की सरकार है और प्रशासन की वजह से जो है तमाम चीजें हुई है, सहयोग नहीं। देखिए, भाजपा संवैधानिक संस्था संवैधानिक पद पर का सम्मान करता है। भाजपा बिहार के तरह नेता प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का सड़क पर भी और सदन में भी प्रेस मीडिया में नेता प्रतिपक्ष के आवाज को अंतिम पेज में अंतिम कॉलम में पांच लाइन में डलवाने का विज्ञापन का भय दिखा करके ये वातावरण नहीं बनाता है। हर दल के नेताओं को सम्मान मिलता है और कार्यक्रम का अवसर मिलता है। दो दिवसीय इन्वेस्टर मीट हुआ जिसमें अडानी ग्रुप ने भी जो है शेयर किए हैं, अडानी की काफी आलोचना जो है विपक्ष के लोग करते हैं, तो क्या कहेंगे? वही तो इनका असली चरित्र दिखाई पड़ा कि अडानी को आरती उतार करके कल जोर करके बिहार में बुला करके इन्वेस्ट करवाने के लिए आज आरती उतार रहे हैं हर देश के प्रधानमंत्री जी को, इनके नाम पर भरमाने का और कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही चरित्र राजद जदयू और कांग्रेस के लोगों का है। सच्चाई यही है कि ये करप्शन और क्राइम करने वाले लोग बड़े बड़े निवेशक को खोजते हैं, अब बाद में उसका दोहन और शोषण करते हैं। इसके लिए कौन प्रशासन की जरूरत है? अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग नहीं जानते। बिहार में 5,000 में जुटता ही नहीं है, वहाँ 10,000। अरे बिहार में आज तक नीतीश कुमार जी के किसी कार्यक्रम में 10,000 आदमी जुटा हो तो बता दीजिए। उन्होंने आरोप ये लगाया सर आप लोगों पे कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन जगह नहीं दे रहा, इस वजह से। क्यों नहीं देगा भाई, सभी को देना है। इस देश में लोकतंत्र है, ये लालू जी का राज नहीं है, लोकतंत्र स्थापित है। सभी जगह विरोधी कार्यक्रम कर रहे थे, क्यों नहीं करेंगे? तो रैली कैंसिल का मतलब कब क्या समझ? नहीं नहीं, ये पूर्ण रूप से इन लोगों का भीड़ जुटना नहीं था, इसलिए चिंतित था कि आपने सुना कि दोनों ने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार जो है अपनी जमीन बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। इस बार उनके कहीं भी जाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने जितने भी वोटर्स हैं उनका दिल दुखाया है। बार बार पलटी मार करके पीछे दरवाजे से जो सरकार बना लेते हैं और हुकूमत अपने हाथ में रखते हैं। इसी को लेकर के जो आवाम है वो समझ चुकी है कि नीतीश कुमार की अब कुछ बुनियाद बाकी नहीं रह गया है, उनके पास कोई जमीर नहीं है, वो हमेशा पीछे दरवाजे से सरकार बनाने का सोचते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।